हमारा कोई वही अलग लेके ना फिर तकलीर आखिर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास घर में तौजीह मसला रहना चाहिए। क्या कहा लोग क्या कुछ भी कहते रहे हमारे यकीन में जो है कि नहीं कि हम शक में मुबतला हो जाए, उन्होंने ये कह दिया है बताए हम क्या करें। किताब घर में रख के देख लीजिए हमारे मौलाना ने क्या कहा है जी। इसलिए ऐसा नहीं कि वो हमें कोई गलत रास्ता बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी ये भूल वो हमारे पास नहीं है। वरना मैं बहुत सी चीजें आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। एक मरतबा सलावात पढ़ने आ मतलब बारे में गलत सोच रहे। हमारा कोई भी आलिम दीन ना तो दुश्मन अल्लाह है, ऐसा नहीं कोई गद्दारी का दुश्मन, सिर्फ हम समझ रहे हैं। इस पर आप गौर करिए, बहुत से मकामात पर वक्त नहीं है और मैं आपके सामने खिदमत आपकी खिदमत में जो है मिसालें पेश करता, बहुत से मकामात पर हम और आप जायज को चीज जायज रहती है लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं परहेज इससे किया जाए, करते कि नहीं। एक मतलब सलवार पढ़े हम हजरात, एक छोटी सी मिसाल दे दे रहा हूं आपकी खिदमत में, सिर्फ आप कुछ गलत की तरफ लेके मत चले जाइए, मैं सिर्फ एक मिसाल ताकि जो है हम जो कुछ हमारी मुंह में आता है वक्त देते हैं उससे परहेज करें। मैं आपकी छोटे हमारे यहां जो है सिगे मौकती खुबला है जायज है कि नहीं जायज है, जायज है जायज है। अगर कौम के सारे नौजवान, मैं आपसे सीधे सवाल कर रहा हूं, कौम के सारे नौजवान जी महीने में चार जो है वो करना शुरू कर दें, चार मुता कोई दस करे बीस करे जैसे अपना कर रहे हो, और उसके बाद दीगर कौम जो है वो कहने लगे कि भाई ऐसा है कि ये लोग जो है मसल उनके यहां मुता तस्वुर ही नहीं है। वो कहने कि सब के सब जो है पहले बद अंजाम दे रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, नौजबिल्ला जीना कर, हम तो ये समझ रहे हैं कोई मुता कर रहे हैं, सारे जवान करने लगे। आप ये मत कहिए कि मनोहर कहानी सुना रहे, नहीं तो मिसाल देगा करने लगे। और उसके बाद अगर इस अमल की वजह से है जायज हमारे यहां, दूसरे ये कहने लगे कि ये जानी है ये पहले बार अंजाम दे रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं, हमारी कौम का कौन ऐसा बुजुर्ग है कि लाख जवान ये कहते रहे कि देखिए अमल जायज है हम तो करेंगे, आप क्या कहेंगे। हाँ चलिए छोड़िए, लहमे मार रहे कुफार गोश्त जिसके बारे में आप लगा दिया गया है कि उस पर भी जो है हाँ हम मोहनी से कहेंगे अंजुमन का कोई कानून बनाए उस पर अमल करें जी। आप समझ गए ना, गाय का गोश्त मना कर दिया गया है, आप पहुंच जाओ कि नहीं मैं तो खाऊंगा सरेआम जिबा करूंगा और खाऊंगा, क्या हमारे बुजुर्ग ये कहेंगे नहीं बहुत अच्छा काम करो करो जायज है बिल्कुल करो। यहां पर हमारा दिमाग काम करता है कि नहीं बिल्कुल, अगर हमारी जो है इसकी वजह से बेइज्जती हमारी जान माल इज्जत आबरू का खतरा हो जाए तो नहीं बिल्कुल जायज को ना जायज, अब इसको हमें नहीं करना है। अगर हमारी बेइज्जती हो रही है कौम बदनाम हो रही है तो जाहिर की बात नहीं इसको मत करिए, अरे जायज क्यों नहीं करेंगे करना शुरू कर दीजिए। कहानी मसलहत ये इस वक्त इससे परहेज किया जाए, जिस तरीके से आप मसलहत देखकर जो एक जायज को ना जायज समझ ले रहे हैं उसी तरीके से दूसरे मकाम पर भी आप सोचिए। मैंने क्या कहा कोई भी आलिम हमारा दुश्मन अदादारी है ही नहीं, अदादारी का दुश्मन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने एक हवा दे दिया है भाई क्या उन्होंने ये कह दिया कहा कह दिया आपसे आए थे कहने के लिए, आपके पास उन्होंने लिखकर भेजा कि देखो ऐसा करना नहीं। और एक चीज याद आकर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जिस चीज के बारे में इतनी हवा दी जा रही वाजिब है जी खुबला जायज अमल है, हम जो है अपनी मोहब्बत का इजहार उस अमल के जरिए कर रहे हैं एक जायज अमल है। अगर वाजिब के मुकाबले में हराम का फतवा दे पहली बात तो मैंने कहा कि आप बताओ मुझे कहां है। आप बहुत सी चीजों के बारे में तो आप कहते हैं कि नहीं देखिए ये बनाया हुआ है इसको बनाकर पेश कर दिया गया है, कहीं आपकी जरूरत हुस्ने ज़न जो है वो रखें
अगर आपने सोच लिया राय की बात है कि अभी तक जो जमाना ये समझ जाता है कि ये कौम मुत्तहिद है, लेकिन अब हम अपने अमल से जो है लोगों को बता रहे हैं कि हम मुत्तहिद नहीं है। हमारे यहां जो इमाम हुसैन को भी बांट दिया जा रहा है, हमारी मजलिस अलग, आपकी मजलिस अलग, आपके इमाम हुसैन अलग, हमारे इमाम, ये सब क्या हो रहा है? लिहाजा मैं अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि क़िबला तमामी हज़रात जो इस पर गौर करें और बैठ कर आप सोचें कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, और हमारे नौजवानों को बताएं कि हमारे उलमा का मकाम क्या है, और अगर वाकई कोई औरंगाबाद में आलम है तो जाहिर बात है आलम है तो उसके लिए जो है तकलीफ जरूरी है, नहीं कि बिल्कुल तकलीफ जरूरत नहीं, बिल्कुल शायद ये तकलीफ है, लेकिन हमें जरूरत है, वाकई हम उनके बगैर जी नहीं सकते, हम उनके बगैर रह ही नहीं सकते। आखिरत को अगर अपनी हम संवारना चाहते हैं तो जो उन्होंने बताया है हमें उस पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि कुरान ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं, अहदीस मासूमी ये, उन्होंने मेहनत की कुरान और अहदीस को इकट्ठा करके उन्होंने हमारे सामने जो है हमारी दुश्वारियों को, हमारी जो मुश्किलें हैं उसे आसान कर, उन्होंने हमारी इतनी मेहनत की और हम जो उनका एहतराम ही नहीं कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया। लिहाजा हमें जरूरी है कि हम उनसे जुड़े, अपने उलमा का एहतराम करें, इसलिए कि हमारे उलमा वही बात बताएंगे कि जिसकी वजह से जो है ईमान से भी खरीब होंगे और अमल से भी खरीब होंगे, यही दो चीजें हैं ईमान और अमल, जिसकी वजह से हमारी आखिरत भी समझ जाएगी और हमारी दुनिया भी। और इसलिए कि अल्लाह ये कह रहा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, आप बारात सुन रहे थे वहां पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र।